नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी ने जारी किया संशोधित कैलेंडर। स्वास्थ्य विभाग के सामने 7 दिन में करीब 92 लाख आयुष्मान कार्ड बनाने की चुनौती। नीट पेपर लीक मामले में हुए बड़े खुलासे। सरकारी स्कूल के शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना की प्रस्तावित नीट का ड्राफ्ट तैयार। भारतीय टीम में मोहम्मद शमी वापसी की कर रहे तैयारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी ने जारी किया संशोधित कैलेंडर। संशोधित कैलेंडर बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा जारी कर दिया गया है। बीपीएससी ने संशोधित एग्जाम कैलेंडर में 21 परीक्षाओं के बारे में बताया है। इस कैलेंडर के मुताबिक अध्यापक नियुक्ति परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह में नहीं ली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ 30 सितंबर को इंटीग्रेटेड सीसी की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होगी। 5 से 7 नवम्बर तक इस परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आगामी वर्ष से निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक मेन्स परीक्षा 3 से 7 जनवरी तक और परिणाम का प्रकाशन 31 जुलाई तक कर दिया जाएगा। बिहार में डीडीयू से झाझा के बीच तीसरी और चौथी लाइन का होगा निर्माण। बिहार के लिए इस बार आम बजट में 10,033 करोड़ रुपए रेल अवसंरचना संरक्षा और यात्री सुविधाओं के विकास के लिए आवंटित हुए हैं। ऐसे में 16,000 करोड़ की लागत से डीडीयू से झाझा के बीच तीसरी और चौथी लाइन बनाई जाएगी, जो बिहार में अब तक की रेलवे की सबसे बड़ी परियोजना होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि बिहार में अभी 79,356 करोड़ की 55 रेल परियोजनाएं चल रही हैं। राज्य के 92 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए भी राशि का आवंटन हुआ है। सरकारी स्कूल के शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना की प्रस्तावित नीट का ड्राफ्ट तैयार। सरकारी स्कूल के शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना की प्रस्तावित नीति के ड्राफ्ट तैयार कर लिए गए हैं, जिसमें अनुकंपा के नीति को भी बदलने की बात सामने आई है। शिक्षकों से संबंधित नियमावली में संशोधन शिक्षा विभाग की मंजूरी मिलने के बाद किया जाएगा। फिर स्थानांतरण और पदस्थापना की नई नीति पर अमल किया जाएगा। इसके तहत पहली सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को पदस्थापित किया जाएगा। इसकी संख्या 87,808 के करीब में है। इसके लिए जिला स्तर पर काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के सामने 7 दिन में करीब 92 लाख आयुष्मान कार्ड बनाने की है चुनौती। देश में निम्न वर्ग को आसानी से किसी भी तरह के इलाज में परेशानी ना हो और आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा सके, इसके लिए आयुष्मान योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत साल में एक व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकता है। सभी लोगों तक इस योजना की पहुंच हो, इसके लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने 1 करोड़ नया आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य 18 से 31 जुलाई तक रखा था, लेकिन 24 जुलाई तक केवल 7,75,000 आयुष्मान कार्ड ही बनवाए जा सके। अब स्वास्थ्य विभाग के सामने आने वाले 6 से 7 दिनों में करीब 92 लाख कार्ड बनाने की चुनौती है। इस सुस्ती के बाद देखना है कि स्वास्थ्य विभाग अपने लक्ष्य को हासिल कर पाता है या नहीं। भागलपुर से 36 सीटर प्लेन भरेगी उड़ान। भागलपुर जिलाधिकारी को सिविल विमानन निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग हवाई अड्डा ने पत्र लिखा था। इस पत्र के जरिए उन्होंने हवाई अड्डा में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी मांगी थी, जिसे जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवा दिया गया है। जिला प्रशासन ने जानकारी देते हुए बताया है कि हवाई अड्डा में वीआईपी लोगों के लिए लाउंज बना हुआ है। सीएम नीतीश ने 7 फरवरी 2018 को इसका उद्घाटन किया था। इसमें सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। इसके अलावा ये बताया गया है कि भागलपुर हवाई अड्डा बनाए जाने का काम शुरू किया जा चुका है। यहाँ से 35 से 36 सीटर कनेक्टिंग फ्लाइट उड़ाने की योजना पर काम किया जा रहा है, जिसमें 4 से 5 महीना लग सकता है। फिर इसके जरिए कोलकाता और पटना जाना आसान हो जाएगा। नीट पेपर लीक मामले में हुए बड़े खुलासे। नीट पेपर लीक मामले में कई अहम जानकारियों का खुलासा हुआ। सीबीआई को मिली जानकारी के मुताबिक नीट के प्रश्न पत्र छात्रों से 35 से 60 लाख रुपए की कीमत पर खरीदे थे। बिहार में ये पेपर करीब 35 से 45 लाख रुपए में बेचे गए। वहीं दूसरे राज्यों के बच्चों ने इस पेपर को 55 से 60 लाख रुपए तक में खरीदा था। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक करीब 150 बच्चों ने ये पेपर खरीदे हैं। नीट पेपर लीक मामले में सेटर पटना के अलावे गुजरात के गोधरा, महाराष्ट्र के लातूर और हजारीबाग और भी अन्य शहरों में थे। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को जो अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है, उसके मुताबिक पटना में 35 छात्रों को नीट पेपर के उत्तर के साथ प्रश्न पत्र
देकर अटवाया गया था। मीडिया से में चल रही खबरों के मुताबिक सूत्रों से पता चला है कि लीक पेपर प्राप्त वाले 150 छात्रों में करीब आधे ऐसे छात्र हैं जिन्हें बेहतर अंक नहीं मिले हैं, जबकि कुछ तो न्यूनतम अंक भी नहीं ला सके थे। रोटरी क्लब ऑफ पटना कंकरबाग ने भारतीय मध्य विद्यालय कंकरबाग में एक सफल वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया है। इस आयोजन में रोटेरियन और छात्रों दोनों की उत्साही भागीदारी देखी गई, जो स्कूल में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए एक सामूहिक प्रयास को दर्शाती है। इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख सदस्यों में रोटेरियन राज किशोर सिंह, रोटरी क्लब ऑफ पटना कंकरबाग के अध्यक्ष रोटेरियन अजीत कुमार सिन्हा, पूर्व अध्यक्ष रोटेरियन एसएन सिंह, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पीरी जी, रोटेरियन डॉक्टर राकेश प्रसाद, डॉक्टर सुजीत कुमार शामिल थे। स्कूल के प्राचार्यों और बड़ी संख्या में छात्रों ने भी वृक्षारोपण अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। छात्रों ने जोरों शोरों से नारे लगाए, जिसमें वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को बढ़ावा दिया गया है। उनकी भागीदारी ने इस कार्यक्रम में एक जीवंत और युवा ऊर्जा का संचार किया, जो एक हरित भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। रोटरी क्लब ऑफ पटना कंकरबाग विभिन्न सामुदायिक सेवा परियोजनाओं में निरंतर संलग्न रहता है, जिसका उद्देश्य समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालना है। विभाग द्वारा छुट्टियों में कटौती करने को लेकर नर्सों ने किया प्रदर्शन। बिहार विधानसभा में चल रहे मॉनसून सत्र के बीच सरकारी अस्पताल की नर्सों ने आज जमकर पीएमसीएच अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया है। पीएमसीएच में कार्यरत एक नर्स विथिका विश्वास ने बताया कि पीएमसीएच सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मी विकट परिस्थितियों में हमेशा अपने दायित्वों का निर्वहन कर लोगों की सेवा करते हैं। कोरोना काल, आपदा के समय या किसी भी विषम परिस्थिति में सेवा के लिए दिन रात लगी रहती हैं। ऐसे में नेचुरल लीव की छुट्टी रद्द करना यहाँ कहाँ का इंसाफ है। जानिए बिहार में किस मामले में एनआईए ने की गिरफ्तारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने प्रतिबंधित माओवादी संगठन को लेकर बिहार में बड़ी कार्रवाई की है। इस संगठन के पास से हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक आदि की जब्ती को लेकर साल 2021 में ही मामला दर्ज हुआ था। इस मामले को लेकर संगठन के विशेष क्षेत्र समिति सदस्य उदय जी उर्फ राकेश कुमार सिन्हा की गया के सुदूर इलाके से गिरफ्तारी हुई है। इन्हें शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम और यूएपीए अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। दूसरे विभागों में संचालित हो रहे प्रदेश के कई प्रखंड कार्यालय। दूसरे विभागों के अधीन प्रदेश में कुल 104 प्रखंड कार्यालय संचालित हो रहे हैं। इसमें से 47 प्रखंड के अपने भवन नहीं है, हालांकि भूमि है। वहीं बचे 57 प्रखंड के ना तो भवन है और ना ही भूमि है। इन प्रखंड कार्यालयों का संचालन सामुदायिक भवन, कृषि भवन या दूसरे सरकारी कार्यालयों में हो रहा है। ग्रामीण विभाग को जिलों की तरफ से इसकी सूची भी भेजी गई है, जिसकी विभाग समीक्षा हुई है। विधानसभा में विपक्षियों का हंगामा देख पोस्टर छीनने के स्पीकर ने मार्शलों को दिए आदेश। आज बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी विधायकों का जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्षी विधायक निधि सरकार की कई नीतियों के विरोध में पोस्टर लेकर पहुंचे थे। प्रदेश में हो रहे कई तरह की आपराधिक घटनाओं का विधायक विरोध कर रहे थे, जिसके लिए वे सदन के वेल में पहुंच गए थे, जिसके बाद स्पीकर ने मार्शलों को विधायकों से पोस्टर छीनने के आदेश दिए। इस दौरान स्पीकर नंदकिशोर यादव भी विपक्षियों पर खूब बरसे दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि विपक्षी विधायक की तब तक कोई बात नहीं सुनेंगे जब तक कि वो अपनी सीट पर नहीं चले जाते हैं, और इन्हीं हंगामे के बीच स्पीकर ने प्रश्नकाल को शुरू किया। राजद विधायक पर नीतीश कुमार की टिप्पणी को लेकर तेजस्वी ने कसा तंज। सीएम नीतीश ने बिहार विधानसभा में राजद विधायक रेखा देवी पासवान पर जो टिप्पणी किया था, इसे लेकर सभी विपक्ष बयानबाजी कर रहे हैं। सीएम नीतीश ने राजद विधायक को कहा था कि महिला हो कुछ जानती हो। इस पर तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि महिलाओं पर ओछी और गैर वांछित, असभ्य, अशिष्ट और निम्न स्तरीय टिप्पणियां करना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आदत में शुमार हो चुका है। तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि सृष्टि के सबसे बड़े ज्ञाता, ध्याता और रचयिता तो नीतीश कुमार जी बन चुके हैं। इनको छोड़कर किसी को कुछ भी नहीं पता है, किसी को कुछ आता जाता नहीं है। मुकेश सहनी के पिता के निधन पर पीएम मोदी ने पत्र के जरिए जताया शोक। बिहार में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र के जरिए दुख जताया है। पत्र के जरिए पीएम मोदी ने कहा है कि आपके पिता जीतन सहनी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में पिता से मिलने वाला मार्गदर्शन जीवन की सबसे बड़ी निधि होती है। उनके निधन से आपके जीवन में आए सूनेपन की पीड़ा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। आगे पीएम मोदी ने कहा कि जीतन सहनी परिवार के लिए एक आधार और प्रेरणा स्रोत थे। आज वो सशरीर हमारे साथ नहीं है, पर उनकी शिक्षाएं और जीवन मूल्य परिवार के साथ बने रहेंगे।
जाति को लेकर प्रशांत कसौ ने दिया बयान। जन सुराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत कसौ ने जाति पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में चुनाव में जाति की प्रमुखता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जाति राजनीति में हावी नहीं है, मगर जाति तो राजनीति को तय करती है। इस बात में पूरी सच्चाई नहीं है। देश और बिहार में लोगों ने बहुत चालाकी से ये बात लोगों के दिमाग में बैठाई है ताकि नए लोग राजनीति में आकर प्रयास ही ना करें। बिहार के लोगों ने कभी सोचा कि नीतीश कुमार के जाति के लोग बिहार में कितनी संख्या में रहते हैं? लालू यादव के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, जब भी आपको लगे कि हमारे जाति के लोग जब अधिक होंगे तभी हम राजनीति कर सकते हैं, तो इस बात में आपको एक जरा भी सच्चाई नहीं दिखेगी। देश में अलग अलग राज्यों में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसकी जाति उस राज्य में सबसे ज़्यादा हो। ये आपका हमारा भ्रम है कि हमारी जाति के अधिक लोग होने से ही हम राजनीति में जा सकते हैं। अगर पीतल और सोना रखा जाए तो किसी भी जाति के लोग हो वो सोना ही उठाएंगे। जन सुराज इसी सोना को खोजने में लगा है जिसमें समाज का भला हो सके। भारतीय टीम में मोहम्मद शमी वापसी की कर रहे तैयारी। भारतीय टीम में मोहम्मद शमी वापसी की जोरदार तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने गेंदबाजी का अभ्यास और जिम में ट्रेनिंग करना भी शुरू कर दिया है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी उन्होंने साझा किया। इस वीडियो पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि वापसी की चाह मेरे सबसे मजबूत आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है। इस वीडियो में मोहम्मद शमी वेट ट्रेनिंग करते नजर आ रहे हैं। मोहम्मद शमी के वर्कआउट का वीडियो देख फैंस भी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है विनोद महात्मा, राजकिशोर महतो, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, विकास कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, प्रिया यादव, संजीव कुमार, वरुण कुमार, गोनर शर्मा, रंजित मिश्रा, राकेश मिश्रा, रवि कुमार राम। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, जाति की राजनीति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।